सिंधि समाय रे साधो बिंद में सिंध समाय बिंद में सिंध समाय रे साधो बिंद में सिंध समाय त्रिगुण स्वरूपी खोजति भय विसीम त्रिगुण स्वरूप खो जति भय विसीम पर अलख न जाय लखाया बिंद में सिंध बिंद में सिंध समाय वेद अगम कहे उल्टे पीछे वेद अगम कहे उल्टे पीछे खबर न परी बिंदी उपज थे खबर न परी बिंदी उपज थे ताथे नाम निगम धर बिंद में सिंह समाय रे साधो बिंद में सिंह समाय आसत मंडल में सभी कोई भूलिया पर अखंड किने न बताया नींद का खेल खेलती सभी नींद में जाग के किने न देखा बिंद में सिंध समाय रे साधो बिंद में सिंध समाय मृग जल सो जो त्रिखा भाजे मृग जल सो जो त्रिखा भाजे तो गुरु बिना जीव पार पावे आने के उपाय करे जो कोई तो बिंद का बिंद में समावे बिंद में सिंध समाय रे साधो बिंद में सिंध समाय श्री कहे बिल्ली बैठे ही उड़िया
बैठे उड़िया पाया सागर सुख सिंध अचरातीत अखंड घर पाया अचरातीत अखंड घर पाया एल दीपूरब सन मन समाया बिंद में सिंह समाया रे साधो बिंद में सिंह समाया बिंद में सिंह समाया बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे बोलो श्री सत्यगुरु महाराज की प्राणनाथ प्यारे की कृष्ण कन्हैया लाल की बोले चाले पर कोई न पहचानो परखत नहीं परवानो महामत के माय पार खोजोगे तब जाए आप लखानो तब जाए आप लखानो बिंद में सिंध समाय रे साधो बिंद में सिंध समाया त्रिगुण स्वरूप खोज तब है विषमय पर अलख न जाए लखाया बिंद में सिंध समाय रे साधो प्रणाम प्राणधार सुंदर साथ जी महान बुद्धि के सागर महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज अपने दिव्य वाणी में अपने अलौकिक वाणी में अपनी शाश्वत वाणी में ब्रह्म आत्माओं को जागृत करने के उद्देश्य से अवतरित वाणी के अंतर्गत समझा रहे हैं परंतु सचराचर जगत को चौदह लोक सृष्टि को इस वाणी के माध्यम के द्वारा अखंड करने के लिए इस धराधाम में संसार में आए हैं और उनकी वाणी हम अगर रात से लेकर क्यामत नामा तक श्रवण करते हैं देखते हैं समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी वाणी हमें लगता है अटपटी जैसे भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है अटपटी है कृष्ण की लीला अटपटी झटपट लखे न कोए जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए जब मन की खटपट मिट जाता है अगर मन की विकार मिट जाता है तो कृष्ण की लीला जो अटपटी लीला है झटपट दर्शन भी होता है ऐसे ही महामती प्राणनाथ जी की वाणी अगर जो नहीं समझता है जो नहीं समझ सकता है उनके सोच में उनकी दिमाग में उनकी विवेक यही बोलेगा ये तो अटपटी वाणी है क्योंकि महामती प्राणनाथ जी महाराज ने सीधे सीधे कई बार किसी भी बातों को नहीं कहा उन्होंने अपनी बातों को समझाने के लिए अपनी ज्ञान को बताने के लिए अपनी प्रेम को स्थापित करने के लिए हर एक आत्माओं के हृदय में स्थापित करने के लिए अनेक प्रकार से अटपटी तरीके से भी समझाया और बताया
ऐसे ही कीर्तन ग्रंथ के अंतर्गत ये दूसरा प्रकरण है बिंद में सिंध समाये। अब देखिए ये भी अटपटी वाणी है, ऐसे ही बहुत सारी वाणी है, बहुत सारी चौपाइयाँ हैं जो सीधे सीधे समझ में नहीं आता, परंतु महामती प्राणनाथ जी महाराज की ये बात, ये वाणी बिंद में सिंध समाये। अगर हमने सीधा शब्द और अर्थ से जानते हैं इसको, तो बिंद होता है एक बूंद, सिंध होता है सागर। देखिए अब आश्चर्य की बात यह है, अटपटी वाणी का मतलब ये है कि बिंद एक बूंद, सागर इतना बड़ा विशाल सागर है और एक बूंद जल, उस जल के सामने इतना बड़ा सागर समा गया, ढक गया, छुप गया। कितनी आश्चर्य की बात है, कैसे संभव है? अगर कोई व्यक्ति वाणी की गहराई में नहीं जाएगा तो उनको लगेगा ये तो बेकार की बातें हैं, परंतु अगर वाणी के गहराई में जाएंगे, विवेचन करेंगे, निधि ध्यासन करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो पता लगेगा कि बिंद क्या है। सर्वप्रथम हमें बिंद को समझना जरूरी है, बिंद में क्यों इतना ताकत, बिंद में क्यों इतना शक्ति, कैसे इतनी शक्ति आई बिंद में, जिस शक्ति के कारण सिंध एक बड़ा सा सागर समा गया, ढक गया। तो सर्वप्रथम हमें बिंद को जानना जरूरी है। अब यहाँ पर सवाल उठता है बिंद क्या है, सीधा सीधा अर्थ में तो हमने समझ लिया बिंद सिर्फ एक बूंद जल है, परंतु बिंद महामती प्राणनाथ जी की अटपटी वाणी में समझाने की कोशिश करते हैं कि बिंद को समझो, बिंद को समझना होगा क्योंकि आप आत्माएं इसी बिंद में हैं। सभी ब्रह्म आत्मा है परम धाम से, संसार का दुख का खेल देखने के लिए आई है, तो आई तो कहाँ आई है, इसी बिंद में आई है। तो हमें लगेगा बिंद कैसे है, इतना बड़ा संसार है, अगर हम पृथ्वी की भी बात करते हैं तो अमेरिका कहाँ है और इंडिया भारत कहाँ है, अमेरिका और भारत में 24 घंटे का फर्क है। देखिए अगर हम यहाँ से फ्लाइट में बैठकर जाते हैं तो कई घंटे लगते हैं, पूरे 7 समुंदर पार करके एक धरती से दूसरे धरती में जाना पड़ता है। इतना बड़ा पृथ्वी, इतनी बड़ी धरती को महामती प्राणनाथ जी महाराज ने बिंद क्यों कहा, बताइए कितनी अटपटी वाणी है। अगर हम पैदल भ्रमण करते हैं, अभी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर में हम विद्यमान होकर चर्चा श्रवण कर रहे हैं, अगर इस जगह से हमें जाना होगा इंडिया के लगभग 20 किलोमीटर के आसपास होगा, अगर हम हकीकत नगर से पैदल जाते हैं तो कई घंटे लग जाएंगे, कई घंटे लग जाएंगे पहुंचने के लिए। अगर हम गाड़ी के द्वारा जाएंगे कई कुछ मिनट लगेंगे, आधे घंटे लगेंगे। अब देखिए समय लगा, दिल्ली के अंतर्गत भी 15-20 किलोमीटर में जाना और आने में भी घंटों समय व्यतीत होता है, तो फिर ये पृथ्वी इतना बड़ा है, कहाँ अमेरिका, कहाँ भारत, इतना बड़ा है। अगर हम पृथ्वी गोल को देखते हैं मैप में, गोल पृथ्वी को अगर हम देखते हैं तो इस छोर में भारत है, तो इस छोर में अमेरिका है। अगर दिन इधर है तो रात अमेरिका में हो रहा होता है, इतना बड़ा पृथ्वी। लेकिन महामती प्राणनाथ जी महाराज तो 400 साल पूर्व ही आकर बोल देते हैं कि ये तो बिंद है, हे आत्माओं, हे ब्रह्म आत्माओं, ये बिंद है। जिस ब्रह्मांड में आप हो, जिस काल माया में आप हो, जिस काल माया का शरीर आपने धारण किया है, यह तो क्या है, यह बिंद।
इस बिंद को समझो, इस बिंद को जानो, आखिर में बिंद यह संसार क्यों है। अभी तो मैंने पृथ्वी की बात करी, मैप की बात करी, भारत और अमेरिका कहाँ है उसकी बात करी, परंतु महामति प्राणनाथ जी महाराज सिर्फ पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कहाँ की बात कर रहे हैं। महामति प्राणनाथ जी महाराज 14 लोक ब्रह्मांड, उसके बाद में अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, मोहतत्व और आदि नारायण। जो आदि नारायण की सृष्टि है, इस आदि नारायण के सृष्टि के अंतर्गत पूरे सृष्टि को ही महामति प्राणनाथ जी महाराज बिंद बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं बताइए। हमें 20 किलोमीटर जाने के लिए भी कई घंटों लग जाता है, हमें एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए भी कई घंटे लगते हैं, तो फिर पृथ्वी के अलावा 7 पाताल, 7 स्वर्ग, उसके बाद में आदि नारायण, ये पूरा सृष्टि, यह आदि नारायण की इतनी बड़ी सृष्टि है। हम इंसान, हम जीव तो इस सृष्टि के अंतर्गत बहुत छोटे हैं। कभी हम फ्लाइट की सफ़र करते हैं, सफ़र करते हुए जैसे फ्लाइट ऊँचे 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 करके जैसे ऊपर तक चला जाता है, तो नीचे हम क्या देखते हैं, तो जैसे जैसे ऊपर जाए वैसे वैसे छोटे 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 इंसान भी छोटे छोटे, और उसके बाद में घर भी छोटे छोटे, उसके बाद में पूरे एरिया ही छोटा, इतना छोटा सा लगता है। अगर हम गूगल मैप में देखेंगे तो यह पृथ्वी बहुत छोटा लगेगा, और उसके बाद में हम धीरे धीरे उसको एनालाइज करते हुए, थोड़ा बड़ा करते हुए देखेंगे, भारत, भारत के अंदर दिल्ली, दिल्ली के अंदर हकीकत नगर, हकीकत नगर का मंदिर भी दिखेगा गूगल मैप में। तो कितनी बड़ी संसार के अंतर्गत छोटा सा मंदिर दिखेगा, और उसके अंदर हम बहुत छोटे से इंसान, बहुत छोटे से जीव जंतु, बहुत छोटे छोटे हैं इतनी बड़ी संसार। परंतु महामति प्राणनाथ जी महाराज यहाँ पे सब कुछ, ये सारी सृष्टि को ही बिंद कह देते हैं। अगर हम ऊपर की दृष्टि से देखेंगे तो जैसे ही फ्लाइट के ऊपर से हमें छोटा छोटा दिखता है, जैसे गूगल मैप के द्वारा छोटा छोटा दिखता है, तो हम अगर नारायण की सृष्टि से देखेंगे तो यह संसार क्या है, बहुत छोटा है, बिंद की तरह है, बिंद है, एक बूंद जल की तरह है अगर हम ऊपर से देखेंगे। लेकिन महामति प्राणनाथ जी महाराज यहाँ पर आदि नारायण से देखने की बात नहीं कर रहे हैं, महामति प्राणनाथ जी महाराज उससे भी ऊपर से देखने की बात कर रहे हैं। जब भी ऊपर से देखने के बाद आदि नारायण भी बहुत छोटा सा दिखेगा, नहीं तो हम आदि नारायण तक पहुंच गए। आदि नारायण तक पहुंचने के बाद हमें सबसे बड़ा सृष्टि आदि नारायण की, बहुत बड़ी सृष्टि यह दिखेगी, लगेगी, परंतु महामति प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं यह सृष्टि भी बहुत छोटा सा बिंद की तरह ही है। लेकिन कहाँ से, अगर हम मंदिर के अंतर्गत है, यहाँ पर है, तो हम अपने साइज, जो इंसान का साइज है, हम अपने आप को देखेंगे। अगर हम छत से नीचे देखेंगे तो बहुत छोटा साइज दिखने लगेगा। ऐसे ही आदि नारायण को भी देखने के लिए हमारी दृष्टि, हमारी सोच परम धाम की होनी चाहिए, बेहद भूमि की होनी चाहिए। अगर हम परम धाम की दृष्टि से, अगर हम ऊपर की दृष्टि से इस संसार को देखेंगे, इस आदि नारायण की सृष्टि को देखेंगे, तो हमें क्या लगेगा, छोटे 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 छोटे, बहुत बारीक 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 बिंद यहाँ पर इस ब्रह्मांड में, ये शून्य मंडल में घूम रहा है। जैसे ही हम सुबह के समय में सूर्य का किरण खिड़की के अंदर से बाहर से अंदर की तरफ आता है, हम झाड़ू लगाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, क्या दिखता है, छोटे छोटे कण दिखते हैं। जिस तरह से छोटे छोटे अनगिनत कण दिखते हैं वहाँ पे सूरज की रोशनी में, हमें पता नहीं लगता है वहाँ छोटे छोटे कण दिख रहे हैं, वैसे सूरज की रोशनी ना हो तो हमें पता नहीं लगता। सूरज की रोशनी के साथ
हमें पता लग गया, छोटे छोटे कण हैं, और उस कण को हम अगर गिनने लगेंगे तो गिनती में नहीं आएगा। ऐसे ही अब महामति प्राणनाथ जी महाराज ने अपनी दिव्य वाणी में इस जागृत संबंध के साथ में, मूल संबंध के साथ में, जागृत ज्ञान में उन्होंने समझाया है कि दिव्य धाम परम धाम से आप इस संसार को देखो, संसार से आप परम धाम को मत देखो। संसार से आप परम धाम को देखोगे तो हमें बहुत अपार लगेगा, ऐसा लगेगा कि हम परम धाम पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा कर्म क्या है, हमने कैसा कर्म किया है, किस प्रकार का कर्म किया है, क्या हमारा कर्म के द्वारा क्या हम उस दिव्य धाम को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। अगर हम संसार की दृष्टि से सोचेंगे तो इसका जवाब है नहीं। हमें संसार की दृष्टि से नहीं सोचना है, हमें परम धाम की दृष्टि से सोचना है। देखिए महामति प्राणनाथ जी महाराज जागृत बुद्धि जागृत ज्ञान के द्वारा हमें समझा रहे हैं कि हे सुंदर सात जी, आपको देखना है परम धाम की दृष्टि से, आपको देखना है ऊपर से, आपको नीचे से नहीं देखना है। अगर आपने ऊपर से देखा तो यह संसार यह सृष्टि बहुत छोटा लगेगा, और यह मोह यह माया यह संपूर्ण संसार की चीजें हमें त्यागने के लिए कुछ भी समय नहीं लगेगा। अगर हम ऊपर परमधाम की दृष्टि से देखेंगे, हम अपने आप को अपने श्री राज जी महाराज के चरण में देखेंगे, हम अपने आप को उनके सानिध्य को प्राप्त करेंगे, तो यह संसार बहुत छोटा लगेगा। महामति प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं परमधाम की दिव्य भूमि बेहद भूमि से आप अगर देखते हैं तो यह आदि नारायण की सृष्टि, जिस सृष्टि के अंतर्गत में हम हैं, यह सृष्टि बहुत छोटा लगेगा। और महामति प्राणनाथ जी महाराज तो एक और बात बोलते हैं, ऐसे सृष्टि अनगिनत हैं, कोई गिनती में बिल्कुल भी नहीं है, गिनती में ही नहीं आ सकता। ये शून्य मंडल में तैर रहे हैं आदि नारायण के सृष्टि जैसे, बहुत सारी सृष्टियां तैरते रहे हैं। देखिए प्रेम संवाद की बात हमें पता है, परम धाम के अंतर्गत में यह सृष्टि रचने के लिए श्री राज जी महाराज के दिल में क्या बात आई, और किस प्रकार से यह सृष्टि रचा गया, और किस प्रकार से क्या कारण बन गया, तो ये सब बातें हमने प्रेम संवाद में श्रवण किया था। और परमधाम के अंतर्गत में श्री राज जी महाराज के साथ में जो बातचीत हुई या संसार बनने से पहले, उस बातचीत को ही प्रेम संवाद कहा गया। और मैंने रास ग्रंथ में प्रेम की जो प्रसंग है, उस प्रसंग की बात करते समय प्रेम संवाद की बात भी करी है, उसमें आप देख सकते हैं सुन सकते हैं। और यहाँ पर महामति प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि उस प्रेम संवाद के बाद, जो संसार की सृष्टि रचना करने के बाद अक्षर ब्रह्म को फरामोशी दे करके उनको नींद में श्री राज जी महाराज ने पहुंचा दिया, तो अपने आप को उन्होंने आदि नारायण के रूप में पाया। जब आदि नारायण के रूप में पाया, जब हम सोते हैं हमें सपना आता है, हमारा शरीर उस सपने के अंतर्गत में होता है, और वह सपना जैसे टूटता है, सपने टूटते ही हम अपने आप को अपने मूल स्वरूप के साथ में प्राप्त कर लेते हैं। जब हमने मूल स्वरूप के रूप में अपने आप को प्राप्त किया, करने के बाद में हमें पता लगता है जो शरीर सपने के अंतर्गत में था वह शरीर तो नाशवान था, खत्म हो गया। मेरे सपना टूटने के साथ साथ ही यह संसार, जो मेरा सपने का संसार था, उसी समय टूट गया। ऐसे ही अक्षर ब्रह्मा सपना देखने के लिए नींद में चले गए, और उन्होंने सपने में क्या देखा, अपने आप को पाया आदि नारायण, अपने आप को एक शून्य मंडल में प्राप्त किया। एक शून्य है, चारों तरफ कुछ भी नहीं है, एकदम अंधकार है, उसमें उन्होंने अपने आप को पाया।
तो अक्सर ब्रह्म का क्या होता है कि वह जैसे सपना देखते हैं या सोचते हैं, मन बुद्धि चित्त में लेते हैं, कुछ भी यावत कार्य सोचते हैं तो एक ब्रह्मांड खड़ा हो जाता है। ऐसे ही आदि नारायण की सृष्टि खड़ी हो गई है, आदि नारायण की सृष्टि तैयार हो गया है। महामति प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ऐसे ही आदि नारायण की सृष्टि अनगिनित है। उस अनगिनित सृष्टि के अंतर्गत में यह सृष्टि, जिस सृष्टि में हम अभी हैं, यह एक बिंद है। देखिए प्राणनाथ जी क्या बोलते हैं, एक बिंद है। और यह बिंद कैसे सिंध को समाया, कैसे सिंध को ढक दिया, प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि हे सुंदर साची, इस नारायणी सृष्टि बिंद का रूप है। जैसे ही अक्षर ब्रह्म अपने नींद से जागेंगे तो महाप्रलय आएगा, तो महाप्रलय में ये पूरी सृष्टि अक्षर ब्रह्म के साथ में लय हो जाएगा। जब ये पूरी सृष्टि लय हो जाएगा, अक्षर ब्रह्म में समा जाएगा, अक्षर ब्रह्म में ने जो भी सपना देखा, सृष्टि तैयार किया, वह सब कुछ अक्षर ब्रह्म के हृदय में अखंड हो जाएगा, संसार खत्म। अब इस संसार के अंतर्गत में हम हैं, इस संसार के अंतर्गत में अभी यावत कार्य हम कर रहे हैं, तो यावत कार्य करते 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 हमने किस चीज़ को भुला दिया, अपने धाम को भुला दिया, अपने परमात्मा को भुला दिया, अपने मालिक को भुला दिया, अपने प्राणपति को भुला दिया, हमने सब कुछ भुला दिया। इसीलिए महामति प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, इस संसार के अंतर्गत आदि नारायण के सृष्टि फरामोशी में एक नींद के आवरण के अंतर्गत में हम फंसे पड़े हैं, तो हमें परम धाम दिव्य धाम इतना बड़ा सागर दिखाई नहीं दिया। देखिए कितनी बड़ी बात है, बिंद में सिंध समाया, कितनी बड़ी बात है। एक छोटा सा बूंद जिसकी कोई भी अस्तित्व नहीं है, है नहीं होने के लिए है, दिख रहा है लेकिन वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, और उस अस्तित्व भीन संसार के अंतर्गत में हम हैं, और होने के बाद में माया के अनेक अवगुण के कारण हमने अपने आप को भुला दिया, अपने धाम को भुला दिया, धाम धनी को भुला दिया। तो इस बिंद के अंतर्गत में एक बूंद पानी से सिंध बहुत बड़ा सागर एकदम से समा गया, ढक गया है। ऐसे ही एक उदाहरण और है, अगर हम इस उंगली को आंखों के सामने लगाते हैं तो मेरे सामने पूरी सृष्टि जो भी देखता हूँ सब कुछ बंद हो जाता है। है तो इतना बड़ा छोटा सा, छोटी सी उंगली है, बस इस उंगली से इतनी बड़ी संसार कैसे ढक सकती है। परंतु मैंने अपने आप मेरे अंग आंख को ढक दिया, मेरे आंखों में पट्टी बांध दिया, मैंने आंखों को ऐसे एकदम से ढक दिया, तो क्या होगा, मेरी गलती हुई, संसार मुझे नहीं दिखा, बाहर मुझे नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखाई दिया, गलती मेरी है, मैंने ढका है, मैंने अपने आप की आँख को पट्टी, आँख में पट्टी बांध दिया है तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। ऐसे ही एक छोटा सा बिंद इतना बड़ा संसार को ढक देता है, उसके बाद हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ऐसे ही है सुंदर साथ जी, महामति प्राणनाथ जी महाराज इस बात को लेकर समझाने की कोशिश करते हैं, ये संसार क्या है और हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है, हमें किस चीज़ को स्मरण करना है और हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है, इस चीज़ को उजागर करते हैं, अगली पंक्ति में बोलते हैं। आज एक चौपाई में पूरा करेंगे, समय कम है, थोड़ा सा भूमिका बांधने में टाइम लगा है, तो अगली पंक्ति में महामति प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं त्रिगुण स्वरूप खोजत भय विस्मय। अब इस चौपाई के अंतर्गत भी, इस चरण के अंतर्गत भी प्राणनाथ जी के चौपाई में चार चरण होते हैं, चार। इन चार चरणों में एक एक चरण में आधा आधा एक एक घंटे की चर्चा हो सकती है। अभी आधे घंटे में सिर्फ दो चरण की चर्चा हुई है, अब ये जो तीसरा चरण है त्रिगुण स्वरूप खोजत भय विस्मय, कितनी संक्षिप्त बातों में महामति प्राणनाथ जी महाराज ने कहाँ को टारगेट कर दिया। त्रिगुण स्वरूप सत रज तम, ब्रह्म विष्णु और महेश,
त्रिगुण स्वरूप भी खोजते 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 विस्मय हो गए। कैसे हो गए? क्या खोजा? उन्होंने खोजा कि हम यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश एक सृष्टि को सृजन करते हैं, एक उसको पालन करते हैं और एक संहार करते हैं। विष्णु भगवान का काम है पालन करना, ब्रह्मा जी का काम है उत्पत्ति करना और शंकर जी का काम है संहार करना। अब त्रिगुण को लगता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को लगता है कि हम यहाँ हैं सृष्टि के 14 लोक ब्रह्मांड के हम सर्वे सर्व है, परंतु सर्व सर्व होते हुए भी मन अशांति है। हमारा मालिक कौन है? हम किसके द्वारा उत्पत्ति हुए हैं? हम कैसे अपने आप को पहचाने? हम कहाँ से हमने अपने आप को यहाँ पाया? कुछ भी नहीं उनको पता। क्यों? क्योंकि यह चीज़ तो महामति प्राणनाथ जी महाराज ने जागृत बुद्धि के द्वारा संसार में दिया, हमें दिया, और इस बुद्धि के द्वारा और ये संबंध संसार से परमधाम तक का जोड़ दिया, सारा कुछ स्पष्ट कर दिया। 14 लोक ब्रह्मांड के अंतर्गत में वैकुंठ में जो वैकुंठ लोक है, सतलोक है, उसके अंतर्गत में ब्रह्मा विष्णु महेश क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो क्या है, कब तक है, हम आगे चर्चा में भी सुनेंगे। परंतु त्रिगुण स्वरूप भी खोजते हुए अपने मालिक को ढूंढते हुए आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, परंतु उनको कुछ भी नहीं समझ आया। विषमय खोजता भय विषमय पर अलख न जाए लखाया, जो प्राप्त करना था उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सके। क्योंकि अगर मेरे सपने में आप आए मान लीजिए, तो आप मेरे सपने के अंतर्गत में कितने भी कोशिश करेंगे तो उस सपने से बाहर नहीं आ सकते हैं। क्योंकि मैं सपना देख रहा हूँ, मेरे सपने के अंदर आप हैं, आप मेरे सपने से बाहर नहीं आ सकते। जब तक मैं नहीं जगूंगा तब तक यह सपना खत्म नहीं होगा, कितने भी कोशिश करेंगे। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म जब जगेंगे, आदि नारायण की सृष्टि समाप्त हो जाएगी। आदि नारायण के अंतर्गत में जो भी चीज़ें यावत चीज़ें हैं वो सबका सब अक्षर ब्रह्म के हृदय में अखंड हो जाएगा। बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी चीज़ें महामति प्राणनाथ जी की वाणी में है। तो आज श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर के अंतर्गत रहते हुए चर्चा श्रवण करते हुए बिंद में सिंध समय साधु एक चौपाई का हमने श्रवण किया है। कल इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे, चौपाई को दोहराते हुए समय थोड़ा ज़्यादा ही हुआ, इसके लिए क्षमा चाहते हुए मैं प्रसंग को विराम देना चाहता हूँ, विश्राम देना चाहता हूँ। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की बिंद में सिंध समाय रे साधो, बिंद में सिंध समाया, सिंध समाया, त्रिगुण स्वरूप खोजत भय विषमय पर अलख न जाए लखाया, पर अलख न जाए लखाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज की, बाबा जयराम साहेब की, सर्वे सुंदर साथ की, प्रणाम।
तुम बिना किना सो कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी आस बिरानी तो करूँ पिया जो कोई दूसरा हो जी पिया सब विधि पिया जी सामरथ दिनोरन जात रोए रोए जी जन्म ली जो मैं उठी पिया तो तुम देखते क्यों कर जी पिया जब तुम आप दिखाओ गे तब देखूंगी नैन न भर जी करो अब जीन जी लो छिन छिन कबर में लीजियो मैं अर्जी करूं दुलहीन जी एती अर्जी मैं तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराय जी सो आड़ी अंतराय ताली कंठ लगाए जी पिया कंठ सो कंठ लगाई के पिया कीजिए हास बिलास जी पिया पालने जाए श्री बिंद्रावती पियारा को चरणों के पास जी पिया तुम दुल्हा सो से बात रूपिया सब अंगो सचत जी पिया सदा सुख दाता धाम धनी मैं क्या कहूँ इन बात जी श्री ममती जुगल स्वरूप परवरी अंगना बरी बरी जाती जी पिया सदा सुखदाता धाम धनी मैं क्या कहूँ बात जी श्री ममती जुगल स्वरूप परवरी अंगना बरी बरी जाती जी पिया तुम जियो मैं अर्जी करूं मेरे पीर जी पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलप तलप जय जीव जी मैं अर्जी करूं दुलहीन जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जय सतगुरु महाराज की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय